सीएमटी न्यूज में मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। ऑटो चालक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए ऑटो में अपना सामान भूले व्यक्ति को लौटाया वापस। कोतवाली टीआई ने किया ऑटो चालक का सम्मान। सहकारिता कार्यालय में रखे पुराने दस्तावेजों में लगी आग। पुराना रिकॉर्ड जलकर हुआ खाक। बताया गया कि बैटरी की गर्म होने से लगी आग। और कोयम्बटूर से कश्मीर यात्रा पर निकले ईशा वॉलंटियर स्वामी सुरेंद्र 2700 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचे विदिशा के मुक्ति धाम। पौधारोपण कर दिया मिट्टी बचाने का संदेश। अब खबर विस्तार से। विदिशा बस स्टैंड पर एक ऑटो चालक द्वारा ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए एक सवारी द्वारा अपने सामान ऑटो में भूल जाने पर ऑटो चालक ने उसे वापस लौटाया। ऑटो चालक की ईमानदारी को देखते हुए सिटी कोतवाली टीआई द्वारा ऑटो चालक का सम्मान भी किया गया। वहीं जिनका सामान था उन्होंने भी उस ऑटो चालक को दुआओं भरा आशीर्वाद प्रदान किया। हमारा बैग मिल गया। कहाँ से आई थी आप ऑटो में सामान? हम आए थे इंदौर से। रात भर के जगे थे तो हमने ध्यान भी नहीं किया, तो बेचारे नो दो उधर दे। कैसे याद आई आपको सामान? आज हमने की धो ले तो धा के अच्छे से रख दें, इस वजह से देखा तो है था ही नहीं। क्या मामला है जहाँ पर? मामला ये है कि हमारे शहर के अंदर आज भी ऐसे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनका मैं सम्मान करने की नियत रखता हूँ। जो भी छोटा मोटा अच्छा काम करते हैं उनको मैं अपनी तरफ से सम्मान करता हूँ, क्योंकि जो नियत है किसी का सम्मान किया क्यों किया है? जी हमारे एक रैकबार जी हैं ऑटो चालक, इनको एक सामान मिला था परसों नरसों सोमवार के दिन, और ये दो दिन से बराबर कस्टमर को ढूंढ रहे थे उसका सामान मिल जाए। आज खोज खबर करने के बाद मिला, चौकी भी सामान मिला। जब सामान मिला तो मेरी इच्छा हुई कि ऐसे आदमी को टीआई के सामने अपन इसका सम्मान करें, कि उसका एक मनोवृत्ति बदले, मैसेज जाए कि हमारे विदिशा के अंदर ऐसे भी लोग हैं, किसी का सामान मिलता है तो इज्जत से उसका वापस कर देते हैं। क्या वजह थी? ये ऑटो चालक हैं महेंद्र जी, इनको परसों के दिन एक ऑटो में एक थैला मिला था जिसमें कुछ वस्त्र रखे थे किसी पैसेंजर के, पैसेंजर भूल गए थे। फिर पैसेंजर इनने वस्त्र बस स्टैंड चौकी में रखवा दिए थे, उसमें झोले में कम 5-10 हज़ार रुपये करीब के वस्त्र थे। और फिर जो जो पैसेंजर थे वो आज आई को बस स्टैंड चौकी, तो वहाँ पर उनने वस्त्र प्राप्त किए और इनका नियत इनकी साफ थी, वस्त्र थे इनको उपयोग भी कर सकते थे, तो अच्छा काम किया इसलिए इनको जो पैसेंजर थी श्रीमती भागवती उनके द्वारा सम्मानित किया गया। यहाँ पर आई स्कूल विदिशा, ये जो आज आप कोतवाली में जी द्वारा सम्मानित किया गया जी, क्या वजह है? सर मैं विदिशा बस स्टैंड से ऑटो चलाता हूँ और मैडम बस स्टैंड से लोहांगी मोहल्ला गई थी, वहाँ पे एक बैग भूल गई थी तो मैंने बस स्टैंड कोतवाली में दे दिया था। राजीव नगर स्थित सहकारिता कार्यालय में रखे पुराने दस्तावेजों में आग लग जाने से वह जलकर खाक हो गए। आग से सारा रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। बताया गया है कि बैटरी गर्म हो जाने से शॉर्ट सर्किट हुआ जिस कारण आग लगी है। जी कौन से विभाग में कार्यरत हैं आप? सहकारिता विभाग में। ये जो कार्यालय है कहाँ पर है? ये राजीव नगर। क्या हुआ है यहाँ पर? ये अभी पता लगा है कि ये आग लग गई तो हम लोगों ने देखा और फिर उसके बाद हम लोगों ने बुझाने का प्रयास किया। तो इसमें कौन कौन सी कागज, किस तरीके के कागज हैं सर? अब ये तो कार्यालय रिकॉर्ड है, लगभग अब जब देखेंगे तब पता लगेगा, लेकिन ये जैसा ये लोग बता रहे हैं कि विधि और कुछ स्थापना से संबंधित कुछ कागज हैं। 75 तक के हैं, 1975 तक के रिकॉर्ड है। तो अगर ये पुराना रिकॉर्ड है, कई दिनों से रखा हुआ था, तो जल जाने से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत, अभी ऐसी कोई 15 साल का रिकॉर्ड रखना जरूरी रहता है। ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सहायक व सचिव कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के आह्वान पर विधि सहकारी
ने अनेक समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला पंचायत अधिकारी को सौंपा है। वहीं उन्होंने एक दिवसीय हड़ताल भी की। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना का कार्य भी प्रभावित हुआ है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। पूरे मध्य प्रदेश में प्रांतीय संगठन के आह्वान पर ग्राम रोजगार सहायक प्रत्येक जिले में जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर महोदय को हमारी अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में आए ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि जो ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त कर दी जाती है, सेवा समाप्त न करते हुए निलंबन किया जाए और निलंबन अवधि में गुजारा भत्ता दिया जाए, ये एक प्रमुख मांग है। इसके साथ इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2018 में सीएम हाउस में हम लोगों को बुलाकर कर दी थी और उस घोषणा को आज तक आदेश का रूप नहीं दिया गया है। इसके संबंध में पूरे प्रदेश के 51 जिलों में ज्ञापन आज दिया जा रहा है, जिसमें हमारी कुछ 2-3 मांगें प्रमुख हैं। एक तो सेवा समाप्ति के बदले निलंबन किया जाए और निलंबन अवधि में निर्भय भत्ता दिया जाए। सहायक सचिव की आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता निश्चित धनराशि उनके परिवार को दी जाए और समानता के सिद्धांत के अनुसार पंचायत सचिवों की भर्ती में रोजगार सहायकों को बराबर अवसर दिए जाएं और सहायक सचिव के लिए स्थानांतरण नीति, जो ब्लॉक स्तर पर स्थानांतरण नीति म्यूचुअल ट्रांसफ़र जहाँ हो सके आपसी सहमति से वो नीति बनाई जाए। आज हमारी क्रांति आदेश के साथ ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं हम लोग। एक दिन की हड़ताल रखी है हम लोगों ने। हमारी सबसे मुख्य समस्या हमारी हड़ताल पे जाने से सबसे मेन तो अभी जो आवास का काम चल रहा है आवास प्लस का, उसका काम काफ़ी प्रभावित होगा, जिससे कि जो गरीब लोगों को आवास मिलना है उनमें देरी होगी। कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर मोशंकर भार्गव, एडीएम वृंदावन सिंह द्वारा राजस्व संबंधी बैठक का आयोजन किया गया। जिले भर के एसडीएम व तहसीलदार मौजूद रहे। अब प्रकरण दर्ज हो गया है और अब लिखा जा रहा है कि हमने प्रकरण दर्ज कर लिया, सुधार की कार्रवाई हो रही है। यार यही कैसी बेवकूफी है, सुधार अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ ने समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। घाटखेड़ी से आई महिलाओं ने समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे अमर रहे। कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ से जिला अध्यक्ष हूँ और हमारी मांग है, प्रथम मांग है जो आदिवासी शहरिया महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह का मिलता है, जैसे गुना सुप्रकला है, सिप्री है, अशोकनगर है, 4 जिलों में मैं खुद दिलवा के आया हूँ पैसे, तो वहाँ पे मिलते हैं लेकिन विदिशा ज़िले में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे भी 50,000 से 60,000 तक की जनसंख्या है जिला के अंदर, लेकिन महिलाओं के लिए प्रति माह का 1000 रुपये नहीं मिलता है। दूसरी मांग है यहाँ पर जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ज़िले के अंदर पे कई गांव में अभी तक कुटी का वहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुटी मिलती है कहीं पे नहीं मिली है। क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं? नहीं, यहाँ पे ज़िले के अंदर सभी जो वनवासी लोग हैं उनके लिए कुटी हमारी भाई घाटखेड़ी रहते हैं। काय के लिए यहाँ पर? हम वनवासी मजदूरी काजे आए थे और कुटी मुटी कुछ नहीं हमारे का, ना मजदूरी मिल रही हमारे काजे कछु की लाभ कुछ नहीं है हमारे गांव। कितने परिवार हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा अभी तक? अबे तो 150 करके नहीं तो अभी नहीं उठाई। हाँ पहली बार आए। भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख का दायित्व है भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण कृषि मजदूर महासंघ
के बैनर तले हम लोग ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम माननीय कलेक्टर महोदय को, नौ सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। वनवासी क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों जो 2005 के पूर्व से जो कब्जा है जिनका, उनको पट्टे दिए जाएं। इसी प्रकार मजरा टोला, ऐसे मजरा टोला है जहां पर बिजली नहीं है अभी तक, तो उनको बिजली दिलाई जाए। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के कुछ गरीब लोग हैं, उनको ना तो कुटी का मिल पा रही है, ना आवास की सुविधा मिल पा रही है। सरकार इस तरह ऐसे लोगों के लिए बड़ी बड़ी योजना का वादा करती है, बड़ी बड़ी योजना चला रही है और इनके पास नहीं है, पहुंच पाई नहीं है, क्या करेंगे इसके बाद? नहीं, इसीलिए तो हम लोग आए हैं मुख्यमंत्री जी से, आस लेकर आए हैं कि भाई जो लोग रह गए हैं, जिन लोगों को नहीं मिल पाई हैं, उनको आवास योजना मिले, कुटी मिले, और जहां पे बिजली उपलब्ध नहीं है वहां बिजली मिले। कुछ दबंगों ने इनकी भूमि पे कब्जा कर लिया है, तो वो दबंगों से उनका कब्जा हटाया जाए। मुक्तिधाम के पर्यावरण के सेवा कार्यों की महक का आज एक और कारण यहाँ जुड़ गया, जब ईशा वॉलंटियर स्वामी सुरेंद्र यादव अपनी 2700 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके विदिशा के मुक्तिधाम पहुंचे। गौरतलब है कि स्वामी सुरेंद्र यादव तमिलनाडु के कोयम्बटूर से साइकिल से कश्मीर यात्रा पर निकले हैं। लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने का संकल्प लेकर निकले स्वामी सुरेंद्र का विदिशा में यात्रा का लगभग आधा पड़ाव पूरा हो चुका है। इनकी यात्रा का मकसद देश के सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के संदेश को शहर शहर प्रांत प्रांत देश में फैलाना है, जिसमें लोगों के लिए मिट्टी बचाने का संकल्प लेना है। और इसी मकसद से स्वामी सुरेंद्र यादव कोयम्बटूर से 25 मार्च को साइकिल से निकले थे और 4 मई को 2700 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके विदिशा पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय ईशा वॉलंटियर से पर्यावरण के क्षेत्र में मिट्टी और जल स्रोतों के प्रति कार्य करने वाले लोगों से मिलने का मन बनाया और इसी तारतम्य में गुरुवार को वह मुक्तिधाम पहुंचे, जहां उन्होंने न केवल श्रमदान किया बल्कि यहां उन्होंने रीठा और अमलतास के पौधों का रोपण भी किया। इस मौके पर मुक्तिधाम सेवा समिति के मनोज पांडे ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की। जी नमस्कारम, सभी को प्रणाम। नमस्कारम, एक बहुत खुशी की बात है, हम मध्य प्रदेश से और हम मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश के विदिशा जैसी जगह में, और आज मुक्तिधाम पे हम आए हैं। मुक्तिधाम का सही मायने में आज जो मतलब समझ में आया, इस टीम के द्वारा समझ में आया कि मुक्तिधाम मरने के बाद मुक्ति नहीं, मरने के पहले जो मुक्ति मिलती है वो मुक्तिधाम जैसा ऐसा सुंदर पार्क बना दिया यहाँ पे, जो नवग्रह बनाया और पूरा नक्षत्र बनाया, बहुत खुशी की बात है। ये शब्द बयां नहीं कर सकते, पर बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और ऐसा एक दिन आएगा कि हर एक बच्चा कहेगा कि घूमने जाना है तो कहाँ चलना, चलो माँ मुक्तिधाम ले चलो मुझे। एक बूढ़ा जो मतलब चल नहीं सकता, वो बेटे से कहेगा, बेटा मुझे 2 मिनट के लिए मुक्तिधाम ले चलो, मैं उधर थोड़ा बैठना चाहता हूँ। ये इतनी अच्छी जगह आज जो देख रही है, इसका भविष्य कल भी देख रहा है कि यहाँ बच्चा बच्चा बैठने आएगा, देखने आएगा और अपने इस लोकता से परे होगा, जीवनता से परे होगा, ये वो जगह है। और मुक्तिधाम जैसी जगह में हम आके शायद हमें भी लग रहा कि हम भी मुक्त हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्तिधाम परिसर और मुक्तिधाम परिसर में मौजूद मुक्तिधाम का परिवार, गुरुवार का पवित्र दिन और गुरु का संदेश लेकर निकले हुए हमारे ईसाइयों के वॉलंटियर आदरणीय सुरेंद्र यादव जी 2700 किलोमीटर की अनवरत यात्रा करते साइकिल से चले आ रहे हैं, संदेश लेके आ रहे हैं कि जैसे हमारे सदगुरु पूरे विश्व में एक संदेश लेके निकले हैं कि हमें मिट्टी को बचाना है, सेफ साइल करना है, और 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, करीब 90 देशों से उठ के मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं, उसी यात्रा को उसी संदेश को लेके हमारे वॉलंटियर निकले हैं पूरे देश की यात्रा करने के लिए। ईसाई आश्रम कोयम्बटूर से निकले हैं कश्मीर तक जाने के लिए, और उसी क्रम में मुक्तिधाम परिवार को जैसे ही मालूम पड़ा, उन्होंने उनको सादर आमंत्रित किया है और आज स्मृति उद्यान में वह इस यात्रा के जो संदेश है उस संदेश के प्रतिफल में यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे, और इसीलिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। हम सब मुक्तिधाम परिवार के उनका लोग स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे बीच में आज एक ऐसा नौजवान
सुरेंद्र यादव जी के रूप में मौजूद हैं, जो सदगुरु जो कोयम्बटूर से ये कश्मीर तक की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। विदिशा में 2700 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आज हमारे बीच में पधारे हैं। इनके मन में था कि हम लोग चर्चा जब कर रहे थे कि मुक्तिधाम में आके पौधारोपण करना है, तो बहुत मैं विनम्रता के साथ कहूँगा कि यादव जी पधारे तो हम लोगों को बहुत खुशी है, मुक्तिधाम टीम को बहुत खुशी है। आज यहाँ मलतास के और रीठा के दोनों वैदिक और औषधि पौधों का रोपण करेंगे। पर्यावरण के प्रति इनका जो एक सोच है और सदगुरु के जो एक सोच है उसको लेके जो एक मुहिम चला रहे हैं, निश्चित बात है हिंदुस्तान के लोग तो हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करते हैं, लेकिन इनका जो ध्येय है और जो सदगुरु जग्गू वासुदेव जी का ध्येय है कि मिट्टी बचाओ, निश्चित बात है जब मिट्टी बचाएंगे तो जीवन बचेगा, क्योंकि पूरी जीवन इसी के ऊपर है। भारत माता के रूप में मिट्टी पूरी जो हम कहें, हम उनको प्रणाम करते हैं और लगातार इस बात की ईश्वर से अनुकंपा भी कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना भी करते हैं उनके श्री चरण में कि जो कश्मीर तक की इनकी यात्रा हो ईश्वर उनको बिल्कुल निर्बाध रूप से पूरी करे और बिना किसी विघ्न बाधा के अपनी यात्रा पूरी करें। पूरे विदिशा की ओर से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, अपनी मुक्तिधाम टीम के द्वारा अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि सुरेंद्र यादव जी इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ते रहे और पर्यावरण के लिए और देश के प्रति समर्पित रहे। साई कंप्यूटर एजुकेशन पर कंप्यूटर के ज्ञान लेने के लिए विद्यार्थी पहुंचाए जहाँ उचित और शांत वातावरण में स्टूडेंट्स अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग भी सिखाई जाती है। समर्स कोर्स का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। आठवीं से कॉलेज तक के विद्यार्थी कंप्यूटर का ज्ञान लेने पहुंचते हैं। गुलाबगंज क्षेत्र से ग्रामीण बड़ी संख्या में भाजपा कार्यालय पहुंचे जहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन को बिजली की समस्याओं से अवगत कराया गया। तब उन्होंने बिजली समस्या निजात हेतु बिजली अधिकारी से चर्चा कर समस्या निदान की बात कही। ग्राम चक्रार से आए थे, बिजली की समस्या के लिए लगभग एक माह से परेशान हो रहे थे, भाई साहब ने इसका निराकरण करवा दिया है। दोनों ट्रांसफर हमारे खराब थे जो एक महीने से पड़े थे, भाई साहब के आश्वासन से हम लोगों को ट्रांसफर मिलना है। दोनों बस स्टैंड क्षेत्र स्थित संजय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदार अपनी समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचे। ज्ञात हो कि संजय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नगर पालिका द्वारा नवीनीकरण की प्रक्रिया की जाना है। लगभग 30-35 वर्षों से अपना व्यवसाय करते आ रहे दुकानदारों ने अपनी बात भाजपा के मुकेश टंडन के सामने रखी एवं किराए को लेकर भी चर्चा की। व्यापारी रवि तलरेजा ने समस्याओं को निपटाने की मांग की है। संजय शॉपिंग सेंटर के सभी दुकानदार भाई माननीय पूर्व नगर पालिका के पास निवेदन करने आए थे कि जो चार गुना व्यापारियों पर किराया बढ़ाया जा रहा है और 30 साल लीज के लिए नवीनीकरण के लिए प्रावधान की नोटिस दिया गया सब व्यापारियों को, क्योंकि 30 साल पहले सभी व्यापारियों ने नीलामी में दुकानें खरीदी थी और उसका अब नवीनीकरण का कोई प्रावधान अगर किसी और ने दुकान खरीदी हो तो उसके लिए किया जाए। जो पुराने दुकानदार हैं, जो स्थानीय दुकानदार काम करते आ रहे हैं, उन दुकानों का अपना संचालन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए राहत दी जाए। और माननीय मुकेश टंडन जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम सरकार से बात करेंगे, आपकी समस्या का हल निकालेंगे। हम माननीय मुकेश टंडन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने सब पर हर समय हर वक्त हम व्यापारियों को सहयोग किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज में, दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।